Hi kids, let's restart vowels and consonants. Vowels कौन से होते हैं और consonants कौन से होते हैं, आज हमारा topic है vowels and consonants का. Okay, हमारे पास हमें सबको A to Z आती है. आपको पता होगा A to Z में कितने alphabet होते हैं. A to Z में 26 alphabet होते हैं, जिसमें से 5 vowels होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे, अब ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स, 5 वॉवल्स. एंड कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये हमारे consonants हैं, okay? 5 vowels हैं. अब आपने इनको learn करना है, understand? Next है हमारा ध्वनि पहचान. दो अक्षर वाले शब्द सबको आते हैं. आज हम करेंगे शब्दों के अंतिम अक्षर से निकलने वाली ध्वनि की पहचान कीजिए. अब यहाँ क है, अब सब में लास्ट में उसका अंतिम अक्षर क आएगा. छ क छक, थ क थक, व क वक, प क पक, त क तक, ह क हक. ज ग जग, म ग मग, प ग पग, ठ ग ठग, ख ग खग, न ग नग. सब में इसके अंतिम अक्षर में ग आ रहा है ना, ग ध्वनि आ रही है, तो यहाँ ग लिखेंगे, ठीक है. र ट रट, त ट तट, ह ट हट, घ ट घट, ख ट खट, प ट पट. ट की ध्वनि निकल रही है, ट, तुमने यहाँ ट लिखा. त न तन, म न मन, व न वन, ज न जन, घ न घन, ध न धन. न की ध्वनि निकल रही है, तुमने न लिखेंगे. ट ब टब, क ब कब, त ब तब, ज ब जब, स ब सब, द ब दब. ब की ध्वनि है, ब. द म दम, थ म थम, क म कम, ग म गम, ह म हम, थ म थम. म की ध्वनि, म. घ र घर, क र कर, भ र भर, ड र डर, न र नर, प र पर. र की ध्वनि. च ल चल, छ ल छल, ज ल जल, ब ल बल, प ल पल, थ ल थल. ल ध्वनि. ओके, अब आपने इनको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है आपने, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्रॉस. टिक आउट द इनकरेक्ट नंबर इन द गिवन ऑर्डर्ड नंबर्स एंड राइट द करेक्ट वन इन इट्स प्लेस. अब हमारे पास यहाँ काउंटिंग दी हुई है ऑर्डर में, ठीक है. हम काउंटिंग रीड करेंगे. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 दो बार रिपीट हो गया. यहाँ 58 आना चाहिए था, इसके हमने टिक कर दिया क्योंकि ये अलग है. 58, यहाँ 58 आना था. 59, 60, तो इस पर टिक कर दिया क्योंकि ये रिपीट हो गया. सेम इसी तरह से आपको काउंटिंग दी है, इसमें जो आपका डिजिट रिपीट हो रहा है उसके आगे आप टिक कर दें क्योंकि उसकी जगह पे दूसरा डिजिट आना था. ऑलराइट,
सेम इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है। अब आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।